हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी एंड आई एम अदिति सिंह विथ यू ऑल अगेन ऑन अ चैप्टर अगेन ऑन अ लेक्चर फर्स्ट लेक्चर वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ अ न्यू चैप्टर दैट वी आर स्टार्टिंग टुडे। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे मैम आप कौन सा स्टार्ट करने वाले हो, सो उनको बता देती हूँ कि आज हम चालू करेंगे एक ऐसा चैप्टर जो बेसिकली हर यूनिवर्सिटी में एकदम लास्ट में कंसिडर किया जाता है। कई सारे यूनिवर्सिटीज में कह सकते हो या कॉलेजेस में कंप्लीट भी नहीं होता है। आई एम वेरी फ्रेंकली सेइंग क्योंकि ना शेड्यूल बहुत टाइट होता है एंड आई डोंट थिंक ये लास्ट चैप्टर तक कोई पहुंचता है। तो हमने क्या किया पता है, हमने ये चैप्टर को ना थोड़ा पहले कंसिडर कर लिया ताकि आप मिस ना कर सको, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर बहुत ही छोटा सा एक चैप्टर है, इसमें सिर्फ चार टॉपिक्स है। चार टॉपिक्स के ऊपर मैं ये जो चार टॉपिक्स है ना, इनमें से हमेशा पेपर में दो टॉपिक्स पूछे जाते हैं, चाहे वो सॉल्व इक्वेशंस होगा या फाइंडिंग रूट्स होगा, कुछ भी हो सकता है। मैं बताती हूँ क्या है ये चैप्टर में, एक्चुअली चार ही चीजें हैं, चार ही थियरम्स है या कह सकते हैं चार ही मेथड्स है एंड ये चार मेथड्स के ऊपर दो क्वेश्चंस आते ही है। अब आप समझ लो अगर दो क्वेश्चंस आ रहे हैं यानी कि ये चैप्टर का वेटेज कितना होगा। ओके, ये मेरे बाल ने यहाँ पे क्या कर दिया। सो वेलकम, आई वेलकम यू ऑल अगेन ऑन दिस सेशन। आज हम स्टार्ट करेंगे एक चैप्टर जिसका नाम है न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस ऑफ ट्रांसेंडेंटल एंड लीनियर इक्वेशन। न्यूमेरिकल सॉल्यूशन हम निकाल रहे हैं, सॉल्यूशन निकाल रहे हैं हम किसी चीज का, एनालिटिकल सॉल्यूशन निकालते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन निकालते हैं। उसी प्रकार हम यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्यूशन कंसिडर कर रहे हैं दो इक्वेशंस का। नंबर वन इज ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। नेक्स्ट इज लीनियर। लीनियर इक्वेशन हम सबने सुना है, छोटा सा इक्वेशन होता है जिसका ऑर्डर वन हो सकता है और अगर क्वाड्रेटिक है तो टू हो सकता है। देखते हैं अब ये ट्रांसेंडेंटल क्या है। ट्रांसेंडेंटल भी एक टाइप ऑफ इक्वेशंस है, क्या है हम देखते हैं। सबसे पहले लेट अस स्टडी समथिंग दैट इज, हम एक नॉर्मल इक्वेशन, मेरे पास एक नॉर्मल इक्वेशन है, मैं उसे कैसे रिप्रेजेंट करती हूँ, तो कैसे हो जाएगा वो, इसको इग्नोर करो, जस्ट इग्नोर दिस थिंग। यहाँ पे देखो ए जीरो एक्स रेस टू एन प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ए वन एक्स रेस टू एन माइनस वन। यानी कि इनडायरेक्टली दे आर सेइंग अगर यहाँ पे मेरी ऑर्डर फाइव है, यहाँ पे सपोज मेरी ऑर्डर जो है एन क्या है फाइव है, इन द नेक्स्ट टर्म इट गेट्स डिक्रीज्ड, दैट इज द वैल्यू गेट्स फोर, इन द नेक्स्ट टर्म इट बिकम्स थ्री, इन द नेक्स्ट टर्म इट बिकम्स टू, इन द नेक्स्ट टर्म इट बिकम्स वन एंड फाइनली इट हैपेंस दैट यहाँ पे वो जीरो हो जाएगा। एंड वी नो दैट इफ एनीथिंग इज रेज टू जीरो देन वो वन हो जाता है, इसके लिए हमने वहां पे वो टर्म लास्ट में हमारा जो वेरिएबल है वो टोटली डिसअपियर हो जाएगा। ओके, और इसके बाद हमारी जो ये वैल्यूज है ए जीरो ए वन ए टू ए थ्री तो कोएफिशिएंट्स है हमारे, वो तो कांस्टेंट्स है, चाहे वो वन हो सकता है, टू हो सकता है, थ्री हो सकता है, थाउजेंड हो सकता है, टेन क्रोर्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, सो नॉर्मली अगर आपको मैं बोलूँ मेरे पास एक छोटी सी प्यारी सी इक्वेशन है, जस्ट से आई वुड लाइक टू से फोर एक्स सिक्स प्लस टू फाइव टू एक्स रेस टू फाइव प्लस टू एक्स व्हाट इज इट टू एक्स रेस टू टू प्लस वन इक्वल्स टू जीरो इक्वल्स टू जीरो। मेरा कोई भी एक इक्वेशन है, कोई भी एक इक्वेशन है दैट इज इक्वल्स टू जीरो। सो मैंने यहाँ पे उसे क्या लिखा है, पी ऑफ एन ऑफ एक्स टू बी इक्वल्स टू जीरो, आई थिंक से मैंने यही लिखा है, पी ऑफ एन ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो, राइट। तो मैंने ये लिखा है तो वही समझ लो मैंने क्या कंसिडर किया, द इक्वेशन इज इक्वल्स टू जीरो। ओके, अब ये हो गया हमारा नॉर्मल सा अल्जेब्रिक इक्वेशन। अगर मैं मेरे कोई भी एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में लिख रही हूँ, अगर इफ यू वांट तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दो, नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर मैं लिखना चाहती हूँ, ये मेरा नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वैसे आप क्यूबिक इक्वेशन लिखोगे तो वहां पे ऑर्डर क्या होगा, थ्री होगा, फिर टू होगा, फिर वन होगा, डिसअपियर होकर दैट इज इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। ये हो गया हमारा क्यूबिक इक्वेशन। तो ये सारी चीजें आती है हमारे अल्जेब्रिक इक्वेशंस में, किसमें कंसीडर की जाती है, अल्जेब्रिक में। अल्जेब्रिक इक्वेशन ऐसे इक्वेशंस होते हैं जिसके जो रूट्स है ना, यानी कि वैल्यूज, फाइनल आंसर्स जो आते हैं हमारे, एक्स की वैल्यूज आती है, रूट्स आते हैं, वो जो होते हैं वो फैक्टराइजेबल, मतलब आप फैक्टराइज जब उसे कर दोगे ना तो आपका आंसर सॉल्व जाएगा। जैसे कि अभी मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आई नो द मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट द रूट्स, हमें पता है ना फैक्टराइजेशन मेथड हम कैसे करते थे, माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, राइट। ये वाला हमें फॉर्मूला पता है, ये फॉर्मूला यूज करके वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, इंडिविजुअल एक्स, क्वाड्रेटिक है विल गेट टू रूट्स, क्यूबिक है विल गेट थ्री रूट्स, वैसे ही आगे वो बढ़ता जाएगा टर्नली वगैरह। नेक्स्ट है हमारे पास इसके अंदर ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन ऐसे इक्वेशंस होते हैं जिसके अंदर लॉगरिदमिक
एक्सपोनेंशियल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक, ये तीनों चीजें आती है, या फिर इसके अलावा भी और भी कोई फंक्शन आ सकते हैं। जैसे कि अगर मेरे पास कोई इक्वेशन है दैट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, समझ लो आई हैव एन इक्वेशन, लेट मी चेंज माय पेन कलर टू ब्लू। सपोज इफ आई हैव वन क्वेश्चन इक्वेशन टू बी एस 2x क्यूब, यहां तक तो ठीक था, प्लस 2 log x, ऐसे हो सकता है। फिर उसके बाद सपोज इसके आगे इफ आई हैव प्लस e raised to x, प्लस इफ आई हैव tan x, इमेजिन। तो ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस हो सकते हैं ना, इंडिविजुअली भी आ सकते हैं, जैसे कि समझ लो x³ - 2 tan x प्लस 3x² + 1 = 0, या फिर अगर सिर्फ आप एक्सपोनेंशियल कंसिडर कर रहे हो तो हमारा e raised to x वाले फॉर्म में, या फिर कोई भी anything raised to anything, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक वाला यानी कि tan, sin, cos, cot कुछ भी यूज कर सकते हो आप। तो ये सारी चीजें यूज करके अगर आप कोई भी इक्वेशन फॉर्म कर रहे हो देन इट इज कॉल्ड एज ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस कहेंगे। ओके, ऐसे जो इक्वेशंस होते हैं इनका फैक्टराइजेशन या इन करना इतना इजी नहीं होता, यानी कि इनके जो रूट्स है, अभी ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया, इसके रूट्स निकालना इतने इजी नहीं है, इट्स नॉट दैट इजी, इट्स नॉट लाइक इतना नॉर्मली एक फॉर्मूला लगा दो एंड सॉल्व हो जाए, ऐसा नहीं है वो। इसके लिए हम एक प्रोसेस फॉलो करते हैं, इसके लिए हम मेथड्स फॉलो करते हैं, एंड वो सारे मेथड्स हम इस वाले चैप्टर में देखेंगे। यानी कि इनडायरेक्टली आई वांट टू से हियर वी आर गोइंग टू सॉल्व ट्रांस, वी आर गोइंग टू फाइंड न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ट्रांसेंडेंटल एंड लीनियर इक्वेशंस। सो लेट अस स्टार्ट एंड कंसीडर द वेरी फर्स्ट टाइप, दैट इज मेथड ऑफ सॉल्विंग एन इक्वेशन। क्या कर रहे हैं, हम एक मेथड निकाल रहे हैं इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। कौन से हमारे पास, वी हैव रेगुलर फॉल्सी मेथड, क्या है वो, रेगुलर फॉल्सी मेथड है, जिसे हम एक और नाम देते हैं दैट इज फॉल्स पोजीशन मेथड एंड न्यूटन्स रैप्सन मेथड। ये जो हमारा फर्स्ट वाला टॉपिक है ना, ये आज के सेशन में हम कंसीडर करेंगे, फर्स्ट टॉपिक, वेरी फर्स्ट टॉपिक, रेगुलर फॉल्सी मेथड। इसके क्वेश्चन आने के पैटर्न सेम होते हैं, इक्वेशन दिया जाएगा आपको बोलेंगे सॉल्व कर, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं आता। हाँ, इक्वेशंस चेंज होते हैं, मतलब लाइक जो इक्वेशन का क्वेश्चन जो आपको दिया जाता है वो चेंज होता है, पैटर्न टू बी फॉलोड, आंसर निकालने का तरीका या फिर जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है वो कांस्टेंट रहती है, वो सेम रहती है, देयर इज नो चेंज इन दैट। तो रेगुलर फॉल्सी मेथड हम यूज करेंगे इस सेशन में, न्यूटन रैप्सन मेथड हम करेंगे इस सेशन। ओके, सो ये रेगुलर फॉल्सी मेथड के अंदर, प्लीज डोंट सी दिस स्लाइड, नहीं समझ में आएगा अभी, हम करते हैं रेगुलर फॉल्सी मेथड। सो इसमें क्या होता है ना, समझ लो मैंने आपको एक इक्वेशन दिया है, छोटा सा प्यारा सा इक्वेशन दिया है जिसको मैंने एफ ऑफ एक्स से डिनोट किया है। आई हैव एनी इक्वेशन, ओके, ये इक्वेशन के कुछ पर्टिकुलर रूट्स होंगे, इसका कोई एक्स की वैल्यूज होंगी, राइट। तो मैं क्या करती हूँ, लेट अस पुट x2 = 0, यानी कि यू विल बी फाइंडिंग एफ ऑफ 0। ओके, लेट अस पुट x = 1, x = 2, x = 3, ऐसे आप कितने नंबर के लिए भी निकाल सकते हो, बट समझ लो जब आप सम सॉल्व करोगे ना तब एक्चुअली आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। व्हाट आई एम डूइंग हियर इज, मेरे पास एक क्वेश्चन दिया था, उन्होंने क्वेश्चन दिया होगा, इक्वेशन दिया होगा, आपको सबसे पहला स्टेप क्या करना होगा, अगर आपको एक्सटेंस नहीं दिए है तो यू नीड टू कंसिडर फर्स्ट फॉर 0, देन 1, देन 2, देन 3, देन 4, जब तक आपको एक वेरिएशन नहीं दिखाई देगा। कैसा वेरिएशन, इधर के वैल्यू में, समझ लो मैंने f = 0 यानी x जहां जहां पे था वहां पे 0 डाल दिया और मुझे यहाँ पे एक आंसर मिला, दैट इज नेगेटिव, जस्ट इमेजिन दैट इज नेगेटिव। उसके बाद मैंने x = 1 डाल दिया, सारे जहां जहां 1 था वहां पे 1 डाला, सॉल्व किया, अगेन आई गॉट माय आंसर टू बी नेगेटिव, वापस से नेगेटिव आया, यानी कि आंसर में वेरिएशन नहीं हुए। नेक्स्ट मैंने वापस 2 डाल दिया, अगेन आई गॉट दैट नेगेटिव, मेरा वापस आंसर जो आया वो नेगेटिव आया। लेकिन जैसे ही मैंने उसके अंदर x = 3 डाली, यानी कि यहाँ पे जो भी मेरा क्वेश्चन था उसके अंदर x की वैल्यू 3 डाल दी, एंड आई गॉट माय आंसर टू बी पॉजिटिव, व्हाट आई गॉट माय आंसर टू बी पॉजिटिव। यानी कि यहाँ पे देखो हमें वेरिएशन दिखाई दिया, हमारे आंसर्स पहले कॉन्स्टेंटली नेगेटिव आ रहे थे, बट जैसे मैंने x = 3 डाला मेरे आंसर के अंदर एक
वेरिएशन दिखाई दिया, यानी कि हमारे जो रूट्स हैं, जो हमारे एक्स की वैल्यूज है, वो इन दोनों टर्म्स यानी कि 2 और 3 के बीच में होंगी। कहां पे होंगी? बीच में होगी। ठीक है, लाइक मेरे पास 2 आया 3 आया, इन दोनों के बीच में मुझे वेरिएशन दिखाई दे। अभी अल्टर अलग भी हो सकता है, समझ लो ऐसा भी हो सकता है, पहला हमें पॉजिटिव मिल रहा है, दूसरा भी पॉजिटिव मिल रहा है, तीसरे में आपको नेगेटिव मिल रहा है, तो आपका वेरिएशन पॉइंट्स कहाँ पे है? आपके जो आंसर्स है, अप्रोक्सीमेट रूट्स जो आने वाले, वो कहाँ आएंगे? इस पर्टिकुलर फॉर्म में। वैसे ही समझ लो यहाँ पे नेगेटिव आ गया, तो इन दोनों के बीच में आएगा, समझ लो। फिर उसके बाद यहाँ पे भी पॉजिटिव था, यहाँ पे भी पॉजिटिव था, यहाँ पे नेगेटिव आया, तो ये हमारा फर्स्ट वैल्यू हो जाएगा, ये हमारा सेकंड वैल्यू हो जाएगा, इन दोनों के बीच में हमारे रूट्स हो जाएंगे। वैसे यहाँ पे समझ लो 2 और 3 के बीच में हमारे रूट्स है। तो क्या करना है आपको? इसके बीच की इंटरमीडिएट वैल्यू निकालनी है। तो वो वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे बताती हूँ। सो यहाँ पे हम इसे कंसिडर कर लेंगे, मेरे पास 2 वैल्यूज मिले, इन दोनों के बीच में है, राइट? तो हम इसे कंसिडर कर लेते हैं, चलो इसे कंसिडर करते हैं x0, या लेट्स कंसिडर इट टू बी x1। मैंने इसे कंसिडर किया x1, और इसका फंक्शन कौन सा है? f(x1) मैंने बस दे दिया। जस्ट इमेजिन मेरा जो ये वैल्यू आया f(2) का, उसे मैंने क्या बोला है? f(x1). फिर इसे मैंने कंसिडर किया x2, इसे क्या कर दिया? f(x2). अब व्हाट आई विल डू इज, लेट मी फाइंड वैल्यू ऑफ, मुझे इंटरमीडिएट वैल्यू चाहिए, यानी x3 की वैल्यू चाहिए। तो व्हाट विल बी दिस इक्वल टू? दिस इज इक्वल टू x1 f(x2) माइनस x2 f(x1) डिवाइडेड बाय f(x2) माइनस f(x1). यानी कि जो वैल्यू आपकी ये है 2 इनटू दिस पर्टिकुलर टर्म, क्या आएगा? 2, जैसे कि यहाँ पे 2 है, 2 जैसे मैं ये ले रही हूँ 2 वाला, 2 इनटू दिस पॉजिटिव वाला, नेक्स्ट स्टेप माइनस दिस 3, ये जो हमारा 3 है, 3 इनटू ये नेगेटिव वाला टर्म डिवाइडेड बाय ये दोनों का सबट्रैक्शन। ये दोनों का सबट्रैक्शन करोगे तो वो आपको एक टर्म मिलेगा। ये टर्म जब आपको मिल जाएगा ना, उसके बाद क्या करना है? वापस आपको वैल्यू निकालनी है आपके f(x3) की। किसके निकालोगे आप? f(x3) की वैल्यू निकालोगे। क्यों निकालोगे? ताकि आपको यहाँ पे भी एक टर्म मिले। ये टर्म जब मिलेगा आपको, तो उसको आपको फिर से चेक करना पड़ेगा वेरिएशन है क्या। अगर वेरिएशन नेगेटिव के साथ है, तो आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, अगेन आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके एक पर्टिकुलर एक्सटेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर देखोगे एक्सटेंट, फिर वापस से यही सेम प्रोसेस करोगे। तब तक करोगे जब तक आपको ये दोनों वैल्यूज, दोनों ऊपर और नीचे की वैल्यू सेम नहीं मिल जाती। कभी कभी एग्जाम में आपको आइट्रेशन, नंबर ऑफ आइट्रेशन दिए जाते हैं कि भाई साहब आप 6 आइट्रेशन करो, माय लक 6 आइट्रेशन आ गया, तो भाई साहब 6 तक कंसिडर करना पड़ेगा। 3 आइट्रेशन बेसिकली, तो 3 आइट्रेशन तक आता है कि फर्स्ट टाइम करो, सेकंड टाइम करो एंड थर्ड टाइम करो, एंड आपको फाइनली आंसर मिल जाएगा। इसके अलावा आ सकता है 4 डेसिमल प्लेसेस तक, 6 डेसिमल प्लेसेस तक, 5 डेसिमल प्लेसेस तक, 3 डेसिमल प्लेसेस तक, इट कैन बी एनीथिंग, इट डिपेंड्स अपॉन योर एग्जामिनर कि वो आपसे क्या पूछना चाहते हैं। ओके, ये था मेथड। आई कैन अंडरस्टैंड मेथड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, बट इसके जो सम्स है बहुत इजी है। इसके अंदर एक थिंग है, ये देखो ये वाला स्लाइड, ये इसका ग्राफ था, आई एम सॉरी मेरा स्लाइड फिर गया, ये ग्राफ था उसका, कॉम्प्लिकेटेड था, रेफरेंस बुक में दिया था, तो मैंने बना दिया। डोंट हैव अ लुक ऑन दिस। यहाँ पे देखो ये मैंने फॉर्मूला लिखा है, ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे इन्होंने कंपेयर किया, बताया है कि आपका एफ ऑफ, यहाँ पे हमारा f1 y1 जो है वो है f(x1) एंड y2 है हमारा f(x2). तो मैंने बस असाइन कर दिया है, कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा था करके मैंने उसको y1 एंड y2 नाम दे दिया। वही सेम चीज की है हमने, x1 ऑफ y, याद करो x1 ऑफ f(x2) था वहां पे, यहाँ पे हमने क्या लिखा है उसकी वैल्यू y2 लिखी है, माइनस x2 इनटू y1 अपॉन y1 माइनस y2। ओके, ये वाली चीज कर दोगे, इसकी वैल्यूज जो है हमने क्या ली है, ग्रेटर देन 0 फर्स्ट टाइम, लेस देन 0 कंसीडर की है। ओके, ये नॉर्मल स्लाइड था, इतना कुछ नहीं है, मैंने एक चीज याद की थी बताने के लिए, एंड दैट वाज की यूज कैलकुलेटर, आई एम सॉरी यूज कैलकुलेटर। अब जो हम प्रोसेस करेंगे उसमें कैलकुलेटर जरूरी है, बिना कैलकुलेटर के आई एम सॉरी यू कैन नॉट डू। अब आप वर्चुअल कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, जैसे कि आई हैव हियर, आपको चाहिए तो यू कैन यूज दिस थिंग, वर्चुअली यूज कर सकते हो अपने लैपटॉप या पीसी में अगर आपके पास है तो।
या फिर यू कैन यूज दिस फोन वाला आई हैव, तो लेट मी शो यू ऑल कि फोन में आप कैसे यूज कर सकते हो. सेम चीज है जैसे आपके नॉर्मल कैलकुलेटर्स आते हैं ना, वैसे आप यूज कर सकते हो. होप यू कैन सी कि मैंने यहाँ पे छोटा सा कैलकुलेशन किया है. ये वाला कैलकुलेटर्स आता है, आप ये भी यूज कर सकते हो. या फिर हमारे जो नॉर्मल कैलकुलेटर्स होते हैं जो ऐसे दिखाई देते हैं, जो आप परचेस करते हो, जिसका कॉलेज में आप यूज करोगे एग्जाम ड्यूरेशन में, वही अलाउड होते हैं. ये फोन वोन नहीं अलाउड होता वहाँ पे, आपको कैलकुलेटर्स खरीदना पड़ेगा. कैलकुलेटर्स खरीद के यू कैन परफॉर्म इन दिस. तो अभी क्या करेंगे हम, आप लोग ये यूज करोगे यानी आपके पास जो कैलकुलेटर्स है, एंड आई विल यूज फोन वाला या फिर ये वाला, देखते हैं. ठीक है, सो सम की ओर बढ़ते हुए, हमारा सम क्या कहता है, फाइंड एप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन. दिस क्या है, x cube minus 2x square minus 5 to be equals to 0. आपको ये इक्वेशन लेके फाइंड करना है रूट्स बिटवीन 2 एंड 3. इनडायरेक्टली दे हैव गिवन यू द एक्सटेंस वेयर योर वैल्यू विल बी डिफरिंग. आपने जो अभी जस्ट बताया ना मैंने, जहाँ पे वैल्यू डिफर होती है, यानी कि 2 को जब आप लेके सॉल्व करोगे तो आपको नेगेटिव आंसर आएगा, 3 को लेके सॉल्व करोगे तो आपको आंसर पॉजिटिव आएगा. अल्टरनेट भी हो सकता है, चेंज भी हो सकता है, मतलब लाइक इसका रिवर्स भी हो सकता है, बट हम देखेंगे सॉल्व करके जो भी आएगा. एंड फिर उसके बाद आपको उन्होंने कहा है इसके बीच का अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालो एक्स की बाय फॉल्स पोजिशन मेथड या रेगुलर फॉल्सी टिल थ्री आइट्रेशन. टेक थ्री आइट्रेशन यानी कि आपको 3 आइट्रेशन लेने हैं, 3 बार आपको सेम प्रोसीजर करना है. ओके, तो अब हमें इन्होंने दिया क्या है, एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5 टू बी इक्वल्स टू 0. हम 0 नहीं लिखते प्रेजेंटली, टू बी इक्वल्स टू ये लिख दिया. फिर उसके बाद इन्होंने कहा है हमें 2 एक्सटेंस दिए हैं 2 एंड 3. तो लेट अस अज्यूम x1 टू बी इक्वल्स टू 2, x2 to be equals to 3. Okay, because we know that our required answer will be in between this. कैसे बताती हूँ? F of 2 क्या होगा? जहाँ जहाँ पे x है, वहाँ वहाँ पे 2 डाल दो. फिर F of 3 क्या होगा? जहाँ जहाँ पे x है, वहाँ वहाँ पे 3 डाल दो. हो गया? कैलकुलेटर यूज करो एंड इसको सॉल्व करो. 8 माइनस 4 इंटू 4 इंटू 2 विल बी इक्वल्स टू 8 माइनस 8 माइनस 5 दैट इज माइनस 5. फिर उसके बाद 27 माइनस 18 माइनस 5 विल बी 4. आप इसे कैलकुलेट करोगे तो 4 आएगा, मैंने कर दिया ऐसे क्योंकि चीजी. फिर उसके बाद माइनस 5 जो है हमारा 0 से छोटा है, तो ये क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा. हमारा जो 4 है दैट इज ग्रेटर देन 0, यानी कि हम क्या लिखेंगे, ग्रेटर देन 0 लिखेंगे. नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, फॉर्मूला ले लो. हाँ, अब देखो यहाँ पे वेरिएशन जो मैं बता रही थी, यहाँ पे देखो पॉजिटिव था 3 जैसे ही डाला हमने, हमारा नेगेटिव नेगेटिव था जैसे ही 3 डाला हमारा, वो क्या हो रहा था, पॉजिटिव हो रहा था. एंड इससे हमें ये समझ में आया कि हमारे पास वेरिएशंस आ गए. एंड जैसे ही वेरिएशंस आ गए, इसका मतलब हम ये कंक्लूड करते हैं कि हमारा अप्रोक्सीमेट वैल्यू x का कहाँ होगा, इन दोनों के बीच में, यानी कि 2 एंड 3 के बीच में. दस वी राइट हियर द रूट्स आर बिटवीन 2 एंड 3. Let us assume, let us say x1 is equals to 2, x2 is equals to 3. लिखना पड़ेगा, don't skip, ताकि आप गलत receive ना करो. Receive गलत करोगे, answer गलत हो जाएगा, जो मैं कई बार करती हूँ ना, receive भी गलत कर देती हूँ. तो ये हमें क्या आएगा, x3 की value जो हमें formula पता है, क्या है वो, x1 into f of x2 minus x2 into f of x1. Divided by f of x2 minus f of x1. What is our x1? That is 2. What is our f of x2? 4 minus x2 is 3 minus 5. Let us go down. Divided by x2 hamara kya hai? 4 minus of minus 5. Jab aap ise solve karoge, 8 plus 15 will be 23. 4 plus 5 is 9. अब मेरे पास तो कैलकुलेटर आज मैंने लाया नहीं है, अनफॉर्चुनेटली आई जस्ट फॉरगॉट टू ब्रिंग. सो आई विल बी यूजिंग, मैंने बताया ना, आई विल बी यूजिंग दिस हमारा फोन वाला कैलकुलेटर. ठीक है, आई डोंट नो ये सब में सपोर्ट, एंड्रॉयड में सपोर्टेड है या नहीं, आई डोंट नो. 23 डिवाइडेड बाय 9 होप दिख रहा होगा. वी गॉट इट एज 2.5555. ओके, आप को चाहिए तो आप वो मेरे पास जो डेस्कटॉप वाला है उसमें भी कर सकती थी, बट वो मुझे रिसीव करने में प्रॉब्लम होता है, वहां से डेसिमल इशू हो जाते हैं, एंड आई डोंट वांट आपका एक सेकंड में मिस आउट हो या एक लेंथी हो लेक्चर, बिल्कुल नहीं चाहती. तो यू गॉट इट एज 2.5555
you will see 2.555 you are getting, so you can write it as 2.556. आप ऐसे लिख सकते हो, एक से increase कर रहे हो, 3 iteration बोला है, तो let us consider up to 3. इसका मतलब आपकी x3 value मिल गई. अब आपको क्या करना है, f of x3 निकालना पड़ेगा, यानी कि जहां जहां पे equation में आपका x की value थी वहां वहां पे डालनी पड़ेगी. हमारा question क्या था, x cube minus 2x square minus 5. Hope so मैंने सही receive किया. फिर उसके बाद आप क्या करो, पुट द वैल्यू 2.556 q - 2 × 2.556 square - 5. कैलकुलेटर में मच मोर इजियर हो जाएगा. मेरा वाला जो है इसमें थोड़ा सा आपको दिखाई नहीं देगा, इट्स जस्ट लाइक अ क्यूब. ओके, 2.556 - 2.556. आपको क्या मिला, -1.367. सो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज माइनस ऑफ, जस्ट हैव अ लुक, मेरे कैलकुलेटर में इट्स लुकिंग लाइक दिस, इतना बड़ा बड़ा सा दिख रहा है, तो used to, तो मुझे बड़े बड़े की आदत है उसमें. So this is minus of 1.367. So I will just write it as, एक से increase कर देंगे, 7 है, तो just do it as minus of 1.368. अब आप जब आपको ये वैल्यू मिल गई, तो आपको नेक्स्ट क्या करना है, आपको देखना पड़ेगा ये वैल्यू कहाँ आ रही है. अब यहाँ पे जब नोटिस करोगे तो ये वैल्यू जो है आपकी, इट इज लाइक नेगेटिव है. तो जो नेगेटिव पार्ट था ना हमारा, नेगेटिव पार्ट कौन सा था हमारा, -4 के साथ था. -4 के साथ क्या था, 2 था. यानी कि वी नीड टू रिप्लेस दिस पर्टिकुलर थिंग बाय 2. यानी कि आर रूट्स आर नाउ, यानी कि द रूट्स आर नाउ बिटवीन, जस्ट इग्नोर माय हैंडराइटिंग, ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है. दिस इज बिटवीन 2.556 एंड 3. इधर तक होगा 2.556 एंड 3 के बीच में होगा ये वाला टर्म. प्लीज गलती से भी ये मत उठाना, दिस इज वैल्यू ऑफ f ऑफ x3, ये मत उठाना. ओके, सो हमारा x1 क्या है, अब 3 है. x2 क्या है हमारा, 2.556 है. व्हाट इज f ऑफ x1, इस इंस्टेंस पे 4 था. f ऑफ x2 क्या है हमारे पास, -1.368. ओके, अगेन सेम प्रोसीजर, टेक द फॉर्मूला. हमारा फॉर्मूला क्या है, x3 इज इक्वल्स टू, सेम ही चीज करना है आपको. इफ यू आर फीलिंग कि ये बहुत टफ है मैम, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये क्या है, आप क्या कर रहे हो, इतना बड़ा बड़ा लिख रहे हो, अरे यार बहुत सिंपल है, ट्रिक नहीं, लाइक फॉर्मूला लिख दो, सॉल्व करते जाओ कि हम कौन से वैल्यू कंसिडर कर रहे हैं, उसको समझो, सिक्वेंस को समझो, एंड यू आर डन विद दिस टॉपिक, एंड यू आर डन विद योर 5 marks. अगेन पुट द वैल्यूज, क्या आएगा, 3 आएगा, फिर माइनस ऑफ 1.368, माइनस x2 क्या है हमारे पास, 2.556. व्हाट इज f ऑफ x1, इट इज 4. लेट अस फाइंड, तो 1.368 माइनस ऑफ 4, अगेन टेक द कैलकुलेटर, सॉल्व द रिस्पेक्टिव सम. आपको क्या करना है, माइनस ऑफ 3 पॉइंट माइनस 1.368 इंटू 3 कर दो, कुछ वैल्यू मिलेगी आपको, -4.104 मिला, उसको आपको माइनस करना है 2.556 × 4 से. जब आप ये करोगे तो यू विल गेट द आंसर एज -14.328. लेट मी राइट दैट थिंग, यू गॉट इट एज -14.328. ओके, रिमेंबर. फिर उसके बाद इन्होंने क्या बोला है, -1.368 - 4, आपको ये करना है, ये जब आप करोगे तो यू विल गेट द आंसर टू बी एज -5.368. क्या मिलेगा, माइनस ऑफ, लेट अस डिवाइडेड बाय आंसर, यू विल गेट द आंसर एज 2.669. पॉजिटिव मिला क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव है तो ऑफकोर्स कैंसिल होना है. यू गॉट द आंसर एज 2.669. अब हमें क्या करना है, हमें x3 मिल गया. नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू फाइंड f of x3, यानी कि x³ - 2x² - 5. पुट द वैल्यू, दैट इज 2.669³ - 2 × 2.669² - 5. अगेन रिसीव योर कैलकुलेटर. क्या करना है,
2.669 क्यूब करना है आपको. यू विल गेट द आंसर एज 19.0127 ऐसा कुछ मिलता है. 19.01 रिसीव कर लो. आपको उससे माइनस करना है 2 × 2.669 के स्क्वायर से. ओके अगेन यू नीड टू सब्ट्रैक्ट इट बाय 5. यू विल गेट द आंसर एज माइनस ऑफ 0.23433. माइनस ऑफ आई एम इट्स नॉट विजिबल और डेस्कटॉप यूज करना पॉसिबल नहीं है. डेस्कटॉप वाला कैलकुलेटर. सो आपको ये मिलना है माइनस ऑफ 0.234. लेट अस राइट दैट थिंग. माइनस ऑफ 0.234. अगेन यू विल सी ये नेगेटिव है. नेगेटिव वाला पार्ट रिप्लेस करेगा. यानी कि अब हम क्या करेंगे, द रूट्स आर बिटवीन हमारा अब x1 क्या हो गया 3, x2 क्या हो गया 2.669. What is our f of x1? ये हो गया 4. Just we got f of x2, that is minus of 0.234. Okay? चलो अब वापस सॉल्व करते हैं, x3 की वैल्यू निकालते हैं. x3 will be equals to, मैं फॉर्मूला नहीं लिख ली डायरेक्टली, आई एम सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज. जस्ट गो क्रॉस, ऐसा क्रॉस जाओ. माइनस 4 × 2.669 डिवाइडेड बाय 0.234 माइनस माइनस 4. सो टेक योर कैलकुलेटर अगेन. टेक योर कैलकुलेटर अगेन. सॉल्व द पर्टिकुलर सम तो क्या मिलेगा आपको. क्या बोला इन्होंने, दे हैव जस्ट टोल्ड यू माइनस ऑफ 0.234 × 3. जब आप करोगे यू विल गेट माइनस 0.4702. इसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है 4 × 2.669 से. तो यू विल गेट द आंसर एज माइनस 11.378 डिवाइडेड बाय. इसको करने के बाद व्हाट यू विल गेट इज माइनस ऑफ 0 माइनस ऑफ 0.234 माइनस 4. अरे यार, वन सेकेंड. जब आप ये करोगे तो यू विल गेट द आंसर एज माइनस ऑफ 4.234. इन दोनों को डिवाइड करो. लेट अस डिवाइड बाय आंसर. यू विल गेट इट एज 2.687. अब हमें क्या करना है, ये 2.687 को लेना है. दैट इज अब हमें निकालना है एफ ऑफ एक्स थ्री क्या आएगा. अगेन सेम प्रोसीजर, कुछ अलग नहीं है यार. आप सेम करते जाओ बस. 2.687 क्यूब माइनस 2 × 2.687 स्क्वायर माइनस 5. अगेन रिसीव योर कैलकुलेटर. 2.687 का क्यूब निकाल रहे हो. 2.687 × 2.687. तो जब आप ये करोगे तो यू विल गेट द आंसर एज 19.40000. इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे 2 × 2.687 के स्क्वायर से. यू विल गेट द आंसर एज 4.60. मैं जानबूझ के एक एक टर्म बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आए. 4.960. फिर आप इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो 5 से. तो यू विल गेट द आंसर एज माइनस 0.0398812 97. तो यानी कि आप हाउ यू कैन रिसीव इट 0.0399. जस्ट रिसीव 0.0399. अब आपको क्या करना है, यू गॉट की नेगेटिव है भाई. एक आइट्रेशन करना पड़ेगा हमें जहाँ पे वी आर गोन रिप्लेस द फॉलोइंग. अब क्या करोगे आप, थर्ड आइट्रेशन फॉलो करोगे. थर्ड आइट्रेशन आपका जो रिक्वायर्ड आइट्रेशन है, दस द रूट्स आर बिटवीन. अगर उन्होंने अनफॉर्चुनेटली आपको 5 आइट्रेशन बोला होगा तो भाई साहब 5 आइट्रेशन करने पड़ेंगे. नहीं बोला है, सॉरी नहीं बोला है, तो जस्ट गो विद दिस. ओके, सो ये क्या हो जाएगा, इट इज बिटवीन 2.687 × 3. एक्स टू क्या है हमारा 2.687. एट दैट इंस्टेंस हमारा एफ ऑफ 1 क्या हो जाएगा 4 था. और इधर क्या था, f of x2 क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 0.0399. सेम प्रोसीजर, टेक द फॉर्मूला, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू.
एक्स थ्री निकालो एंड ये हमारा फाइनल आइट्रेशन है, इसके बाद अब हमें कुछ नहीं करना, थर्ड आइट्रेशन इज द फाइनल वन, माइनस 0.0399 माइनस 4 इंटू 2.687 डिवाइडेड बाय माइनस 0.0399 माइनस 4, रिसीव कैलकुलेटर, कैलकुलेट करो अब चलो, 3 इंटू माइनस ऑफ 0.0399 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 0.91197 माइनस 4 इंटू 2.687 यू विल गेट इट एज माइनस 10.8677 दैट इज माइनस 10.8677 डिवाइडेड बाय, इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट दैट इज 0.0399 यू विल गेट इट एज नेगेटिव 4.0399 तो लेट अस डिवाइड यू विल गेट इट एज 2.693 ऐसा कुछ आ रहा है आपको, नेगेटिव नेगेटिव तो कैंसिल हो जाना है तो उसका तो फर्क नहीं, दैट इज 2.6900 समथिंग आ रहा है, तो लेट अस राइट 2.690, दिस वाज आवर थर्ड इटरेशन, लेट अस स्टॉप हियर ओनली, स्टॉप कर दो बस हो गया, इससे ज्यादा हम इसे और नहीं चलेंगे, दस यू गॉट द फाइनल अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एक्स टू बी इक्वल्स टू 2.690, ये आपका फाइनल रिक्वायर्ड आंसर है, आपको लिखना पड़ेगा दस द वैल्यू अप्रोक्सीमेट वैल्यू अप्रोक्सीमेट रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन वेयर एक्स इज इक्वल्स टू 2.690, ओके ये हमारा सम था पांच मार्क का, बहुत इजी सम है, एक फॉर्मूला है, रिपीट 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 एंड रिपीट, ओके फिर उसके बाद एक छोटा सा सम आपको मैं ट्राई के लिए दे रही हूँ, छोटा सा है, ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर, टू फाइंड ये क्या हो गया, टू फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस, सेम इक्वेशन सिर्फ इक्वेशन डिफरेंट किया है, सिर्फ इक्वेशन डिफरेंट किया है, क्वेश्चन सेम है, लाइन बिटवीन 2 एंड 3 यानी 2 एंड 3 के बीच में वेरिएशन आ रहे हैं, आपको ये सम कंसिडर करना है, सेम 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 थिंग लास्ट में आपको थर्ड आइट्रेशन, तीन आइट्रेशन करो ओनली फॉर 3 आइट्रेशन, इससे ज्यादा मत करो, टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें, डू इट फॉर 3 iterations, यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर टू बी योर फाइनल आंसर, इसे ट्राई करो, हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो कोई नहीं यार, हो जाएगा, बट आई होप सो इतना किया है तो हो जाना चाहिए, एंड एक और चीज आपको बतानी है, समझो अगर iterations नहीं दिए, iterations बोल रही हूँ, समझो अगर ये extends जो है lying between this approximate value नहीं दिए, आप निकाल सकते हो, कैसे, आप 0 डालो, 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, 4 डालो, जहां पे आपको वेरिएशंस दिखाई दे रहे हैं वो आपके एक्सटेंस है, वो आपके दो एक्सटेंस है जिसके बीच में आपकी आंसर्स होने वाली है, एज सिंपल एज दैट, ऐसे भी हो सकता है ना एक्सटेंस ना दिया हो, ओके सो ट्राई दिस क्वेश्चन, अगर आपसे सॉल्व हो रहा है तो वेल एंड गुड, वेरी गुड, एंड थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द लेक्चर, होप आप सबको ये लेक्चर पसंद आया होगा, एंड पसंद आया होगा तो लाइक करना वीडियो को, सब्सक्राइब करना चैनल को, एंड कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है तो लेट मी नो, आई एम हियर फॉर यू ऑल ओनली, आप सबके लिए हूँ, यू आर माई लाइक स्टूडेंट्स फ्रेंड्स जो समझना हो, ओके सो होप आपने एंजॉय किया होगा सेशन को, एंड विल मीट सून विद न्यूटन्स रैप्सन मेथड ऑन फ्राइडे, आई थिंक सो, थैंक यू सो मच, टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड शो योर लव, ओके बाय बाय.